सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये है ना वीडियो वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशन वीडियो है। आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा है ना मुझे क्वेश्चन करा था कि इंस्टाग्राम को गाइस कैसे हम लोग सेफ रख सकते हो। हालांकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाई है जहाँ पर मैंने आप सभी को व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर रख सकते हो। और आज के डेट में जी हाँ गाइस, व्हाट्सएप कोई भी है मतलब हैक कर सकता है और बाकी चीज़ें है ना। ये वर्ड मैं बार बार नहीं लेना चाहता इस वीडियो में ताकि वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, चैनल पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग समझ जाओ कि देखो गाइस, यहाँ पे है ना कि बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है, ऐसे चीज़ें हैं जिसके जरिए हमें है ना हम लोग व्हाट्सएप को अपने बस में कर सकते हैं। आप दूसरों के व्हाट्सएप को अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्या गाइस, आप सभी को पता है कि अभी के डेट में 2020 और 21 पे इंस्टाग्राम एक है ना वन ऑफ द मोस्ट आपको बिगेस्ट फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन हो चुका है सोशल मीडिया पे। और गाइस आप सभी को पता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी करियर भी बनाई। अगर वहाँ पे आपने मिनिमम भी 5000 अगर फॉलोअर्स बना लिया ना रील्स वगैरह बना के, तो गाइस आप सभी को स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है और आप लोग है ना बहुत ही अच्छी खासी पैसे जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम के जरिए। तो गाइस अगर अभी तक आपने वहाँ पे रील्स अपलोड करना स्टार्ट नहीं करा है तो गाइस फटाफट से जाओ रील्स अपलोड करो और वहाँ पे गाइस अपने फॉलोअर्स जैसे बढ़ेंगे ना तो सीधी सी बात है गाइस आप सभी को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को रील्स बनाने के लिए बस अपनी फेस वहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं, आपको प्ले यूट्यूब पे बहुत सारे भर भर के आपके है ना ऐसे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आप सभी को बस आपको स्टार्टिंग के तौर पे लगभग है ना एक घंटा आधा घंटा को एक वीडियो लगभग आपको 30 सेकंड की वीडियो क्रिएट करनी है, ठीक है, अपनी अपनी खुद की एक टैलेंट डालनी है। या फिर आप फेस दिखा के कर सकते हो, बिना दिखाए कर सकते हो। अगर आपको डांस आता है, कुकिंग आता है, कुछ भी आता हो यार बस डाल दो। अगर आपको है ना अच्छी नॉलेज है एजुकेशन का तो एजुकेशन की किसी टॉपिक के ऊपर आप है ना कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर है ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दो तो गाइस आप सभी है ना बहुत ही जल्दी वहाँ पे ग्रो कर लोगे। और गाइस मैं आप सभी को बता दूँ बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, अगर आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन गाइस अब बात आती है कि आप लोग उस अकाउंट को सिक्योर कैसे रख सकते हो। या गाइस मेरा काम है आप सभी को बताना है कि आप लोग अपनी इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे सिक्योर रख सकते हो। और आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हो तो, ठीक है। वेल चलो अब गाइज देखो यहाँ पे है ना मैं आप सभी को अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। अब गाइज इंस्टाग्राम पे गाइज मेरे जो फॉलोअर्स है लगभग 305 है। और गाइज आप लोग यार प्लीज़ मुझे चाहो तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस मैं अपनी अर्निंग प्रूफ के साथ साथ बहुत सारे ऐसी है ना मोटिवेशनल चीज़ें ऐड करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को अगर आप डिजिटली वर्क करना चाहो तो आप सभी को बहुत ही इजी हो जाएगा और आप लोग है ना बहुत ही सही प्रकार से काम कर पाओगे और डीमोटिवेट कभी नहीं होगे। अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो यार ये तो गारंटी है कि आप डीमोटिवेट मैं आप सभी को होने नहीं दूंगा। चलो अब गाइस यहाँ पे देखो मेरे जो फॉलोअर्स है 305 है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग इस अकाउंट को सिक्योर कैसे रख सकते हो। अब गाइस इस अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए आप सभी को कुछ चीज़ें स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो जो स्टेप्स है आप सभी को करना क्या है, आप सभी को आपके है ना लोगो आइकॉन पे क्लिक करना है यहाँ पे, या फिर आप ऊपर राइट साइड के ऊपर है ना क्लिक कर सकते हो जो थ्री लाइन है। उसके बाद गाइस सबसे नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब गाइस देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप सभी को बताऊँगा, ध्यान से सुनना, स्किप ना करना। अगर यहाँ तक स्किप कर दिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ से स्किप कर दिया ना तो कभी भी आपका जो भी अकाउंट है वो सब है ना यहाँ से जा सकता है। तो यार इसीलिए कहता हूँ यहाँ पे एक भी चीज़ एक भी स्टेप यहाँ पे स्किप ना करो ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वेल अब गाइस देखो यहाँ पे है ना मैं आप सभी को दिखा दूंगा कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक सिक्योरिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अब गाइस ये जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है ना इसको क्लिक करते ही आप सभी को सबसे यहाँ पे देखो लॉगिन एक्टिविटी के साथ साथ जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे है ना कितने सारे डिवाइसेस में मैंने लॉगिन करके रखा था वो सारे सारे के डिवाइस यहाँ पे है ना आपको शो हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी लगता है कि हाँ नहीं भाई मुझे तो ये डिवाइस में मैंने लॉगिन नहीं करा था शायद ये मेरा नहीं होगा, अगर इस प्रकार का कोई भी आपको डाउट आता है तो आप लोग है ना यहाँ पे थ्री डॉट दिखते हो ना यहाँ पे क्लिक करना और लॉग आउट कर देना। तो जैसे आप लॉग आउट कर देते हो ना तो गाइस आप से ना उस डिवाइस से लॉग आउट हो जाओगे, एक प्रकार से आप यहाँ से सेफ बच जाओगे, ठीक है। अब गाइस दूसरी जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये है कि जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे टू स्टेप वेरिफिकेशन जो रहता है उसको इनेबल करके रखते हो तो सेम प्रकार का आपको इंस्टाग्राम पे क्या मिलता है, आपको इंस्टाग्राम पे मिलता है
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब गाइस यहाँ पे ये क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे गेट स्टार्टेड का आपको बटन मिलेगा। अब गाइस जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आप लोग क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो होंगे, एक तो गाइस यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐप के रिकमेंडेड करा जाएगा और दूसरा है टेक्स्ट मैसेज। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के जरिए मुझे जो भी चीज़ें हैं मेरी इंस्टाग्राम पे मैं इसको सिक्योर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब गाइस जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे OTP आएगा और OTP आने के साथ साथ यहाँ पे मैं OTP फिल करूँगा और मेरा जो अकाउंट है ये सिक्योर हो जाएगा। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे OTP आ चुका है 0415 98 0415 98। ओके तो चलो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और ओके करने के साथ साथ मेरा जो अकाउंट है ये सिक्योर हो चुका है। देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है ये सिक्योर हो चुका है। यहाँ पे कुछ कोड्स दिया जाएगा आप सभी को। अब गाइस ये जो कोड्स है ना, इन कोड्स को आप एक प्रकार से लिख के रखो या फिर आप सेव करके रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये कोड्स आपको पसंद नहीं आता है तो गेट न्यू कोड्स करो। क्यों, मैं आप सभी को बता दूँ कि ये कोड्स कब आपकी ज़रूरत पड़ती है। अब गाइस ये जो कोड्स है ना, ये कोड्स आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब कोई भी बंदा या फिर आप ही खुद है ना कोई नए डिवाइस पे आप लॉगिन करना चाहो तो वहाँ पे एक कोड आपको डालना है, तभी आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये लॉगिन हो पाएगा। या फिर वो जो भी बंदा आपके है ना ये व्हाट्सअप या फिर जो भी सॉरी ये जो इंस्टाग्राम पे ये अगर हैक करना चाहे तो वो बंदा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ये कोड्स अपडेट करना रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा और आपने कैसे सिक्योर में रखना है अपना इंस्टाग्राम आपको पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जरूर से बताएगा इस आप लोग है ना इंस्टाग्राम कब से यूज़ कर रहे हो कॉमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस फील्ड में इस जो भी इंस्टाग्राम यूजर्स हो ये कितने ओल्ड हो, ठीक है। वेल गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, टिल देन बाय। ऑडियो जंक।